ऑल पीपल्स, कैसे हैं आप सब गाइस? आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, फीमेल हो या मेल हो, दोनों ही के लिए। दोस्तों, जब एक कपल इंटरकोर्स करता है, जी हाँ, सेक्सुअल इंटरकोर्स जब एक कपल करता है, उसके मन में सबसे पहला सवाल दोनों ही के मन में ये रहता है कि कहीं उनके सेक्सुअल इंटरकोर्स से अगर उनकी शादी नहीं हुई है, जो फीमेल है उनको प्रेगनेंसी ना हो जाए, जी हाँ, वो प्रेग्नेंट ना हो जाए। और इससे बचने के लिए अक्सर ही मेल हो या फीमेल हो, दोनों ही लेटेक्स कंडोम, नॉर्मल कंडोम, साधारण कंडोम का इस्तेमाल करते हैं, वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं आपके इंजॉयमेंट को भी थोड़ी बहुत ठेस पहुंचती है, जी हाँ। मतलब आपको ये रहता है कि आपने जो है उनके साथ संबंध तो बनाए हैं, लेकिन वो बात नहीं आई जो कि आपको चाहिए थी, जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों ही टेंशन फ्री होके एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, उनको किसी चीज़ की टेंशन ना हो, बहुत ही इजीली उनके मन में ये सवाल ही ना रहे, बिल्कुल ही निकल जाए कि फीमेल जो है प्रेग्नेंट होंगी या नहीं, हो सकती है या नहीं, या फिर उसको कैसे रोके। उससे पहले मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं कि फोर प्ले करते हैं, फोर प्ले करते करते जब उनका मन होता है कि अब वो इंटीमेट होना चाहते हैं, तब उनके मन में उनकी जो फीमेल होती है वो उनको रोक देती है कि नहीं, आप पहले प्रोटेक्शन पहन लीजिए। इसी तरह मेल भी ये चाहते हैं कि नो, पहले हम प्रोटेक्शन पहनेंगे, तभी जाके जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई भी नॉर्मल कंडोम ना पहनना पड़े और आप टेंशन फ्री होकर जो है अपने संबंध मना लें, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं आपके लिए बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट लेकर आई हूँ। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है वो प्रोडक्ट जो कि स्पेशली लेडीज के लिए है। ये कोई कंडोम नहीं है कि लेडीज कंडोम है, आप इसको पहन सकते हैं। ये कुछ इस तरीके का आता है और इसमें आपको मोम की, जी हाँ, मोम का बना हुआ एक कैप्सूल मिलेगा। कैप्सूल टाइप ही होता है, एक्चुअली शेप तो आप देख ही सकते हैं। इसको आपको अपनी वजाइना में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से पहले, जी हाँ, इंटीमेट होने से लगभग आधा घंटा पहले, 10 मिनट पहले, 1 घंटे पहले आपको इसको रख लेना है। ये वहां पे जाके घुल जाता है। जब ये घुल जाएगा, अब आप दोनों में से अगर कोई भी कंडोम नहीं पहनता और नॉर्मली जो है संबंध बना लेते हैं, तो जो पुरुषों का सीमेन है अगर वो आपके अंदर चला भी जाए, फीमेल्स के अंदर चला भी जाए, तभी भी वो प्रेग्नेंट नहीं होंगी, क्योंकि ये पुरुषों का जो सीमेन होता है उसको